नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स मैम में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारत सरकार में दोस्तों कैबिनेट का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक का ये सबसे बड़ा विस्तार है भारत इतिहास में किसी भी सरकार का। इसको हम लोग जानेंगे आज फुल डिटेल में, कौन सा मंत्रालय किसे मिला, किसकी कितने मंत्री हैं, कितने कैबिनेट मंत्री हैं तथा कितने राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों, इन सभी डिटेल्स को आज हम अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये सभी डिटेल्स इमेज के साथ, मंत्रालय के साथ तथा नाम के साथ आपको देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को आसानी से मिलता रहे। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा और प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में ऐसे कि 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट का विस्तार किया गया, तो उसमें कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कुल जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली है उनकी संख्या 43 है, जिसमें से 15 कैबिनेट मंत्री हैं और 28 राज्य मंत्री हैं। और दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कुल कितने मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया है, तो दोस्तों 12 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको ये 43 नाम पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट्स नाम ही आपको याद रखने हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, स्मृति जुबिन ईरानी यह महिला एवं बाल विकास मंत्री पहले भी हुआ करती थी और अब भी हैं, लेकिन साथ ही साथ यह कपड़ा मंत्रालय का काम भी देख रही थी, लेकिन अब कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया है पीयूष गोयल जी को। पीयूष गोयल जी पहले रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वह कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, ये दे दिया गया है पीयूष गोयल जी को। फ्रेंड्स, वाणिज्य मंत्री तो ये पहले से ही थे और कपड़ा मंत्री भी इनको ही दे दिया गया है, और इनसे रेलवे का पद ले लिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए हैं नए शिक्षा मंत्री, और साथ ही साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान जी ही हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामले के मंत्री, जो कि मुख्तार अब्बास नकवी को बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, तो फ्रेंड्स यह नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का पद जो है वह वीरेंद्र कुमार जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फ्रेंड्स, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री का पद जो है वह गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फ्रेंड्स, रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री, यह जो पद है इस्पात मंत्री का, यह दे दिया गया है रामचंद्र प्रसाद सिंह को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज्य मंत्री का जो पद है वह गिरिराज जी को दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए इस वीडियो में लाया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए फ्रेंड्स, किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री, तो दोस्तों कानून और न्याय मंत्री का जो पद है वह दे दिया गया है किरण रिजिजू को। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि यह खेल मंत्री थे, लेकिन अब खेल मंत्रालय दे दिया गया है अनुराग ठाकुर जी को। ठीक है दोस्तों, तो किरण को कानून और न्याय मंत्री का पद दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से लेकर आई हूँ, तो आप इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता ही है, और अगर आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो और भी अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।